विकास टेक्निकल आइडिया। तो दोस्तों आज की डेट में हमने एक सिस्टम बनाया जो कि खराब पड़े एक ब्लूटूथ जो ईयरफोन होती है उससे बनाया है। दोस्तों हमने दो लीड यूज किए हैं जो कि खराब पड़ी हुई थी, एवी और टीवी के नाम की होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन में आपको बता देता हूँ और क्या ये काम करेगा और कितना इसका बेनिफिट होगा वो बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा हुआ है इस साइड में, तो ये हमने लीड में कनेक्ट कर दिया है और एक इधर कनेक्ट कर दिया है, इधर प्रिंट है। और साइड में जो कनेक्शन है ये B-B+ है, तो बैटरी के हैं। तो बैटरी हमने ये लिथियम सेल 3.7 वोल्ट का कनेक्ट किया है जिससे कि इसका बैकअप हो जाए 8 से 10 दिन का, और 100% इसका 8 से 10 दिन का बैकअप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे तो जो सिस्टम में लगने वाला है उसमें इससे ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि हम अगर ईयरफोन में यूज करते हैं तो 3-4 घंटे नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हम इसे एक बूफर सिस्टम में लगाने वाले हैं जो कि जिसमें हमारे ब्लूटूथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे फिट कर लेते हैं। तो फिटिंग किस तरीके से करनी है, फिटिंग सेम उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से ये था। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो है ये सिस्टम बिल्कुल तैयार है, और इस तरीके से हम इस पर टेपिंग कर देंगे, यहाँ पे इसे पीछे बैटरी को लगा देंगे। दोस्तों छोटी बैटरी हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि एक तो हमारी ब्लूटूथ की बैटरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ी थी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो आइटम बताया जाता है वो रिकवर के लिए बताया जाता है, जैसे कि आपका कोई भी आइटम ख़राब पड़ा हुआ हो उसे रिकवर कैसे करें, मतलब उसकी यूजिंग कैसे करें। तो दोस्तों इस तरीके की एक सेलो टेप लेनी है जिससे कि इसमें दिख सके बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बड़ी टेप है तो बड़ी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से टेपिंग कर देते हैं जिससे कि इसके बटन भी हम यूज कर सकें। अगर ब्लैक है तो ब्लैक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि बटन वगैरह नहीं समझ में आएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम इसकी यूजिंग क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों जिस भी ब्लूटूथ या होम थिएटर में बूफर में ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है, उसमें लीड से कनेक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर इसका यूजिंग किया जा सकता है। ठीक है, अब चार्जिंग की बात आती है, एक बार चार्ज करने से 10 दिन चलेगा, और चार्जिंग का जो पॉइंट है यहाँ पे है। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसे चार्जिंग के पॉइंट को इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन से हटा लेंगे जिससे कि हम चार्जिंग भी यहीं से कर सकें। अब इस सिस्टम को हम कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं, जो भी आइटम हमारा ब्लूटूथ का नहीं है, ठीक है, वहीं पे हम अटैच कर सकते हैं, ब्लूटूथ का उसे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, सबसे पहले इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, देखिए इसकी लाइटिंग जो है ब्लिंकिंग कर रही है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला मॉडल है, काफ़ी पुराना मॉडल है इंटेक्स का, ठीक है, और काफ़ी स्टार्टिंग में शुरू हुआ था और काफ़ी अच्छा इसका साउंड है। ठीक है, और इसी में हम यूज करेंगे। देखिए इसमें कोई भी आगे ब्लूटूथ नहीं है, कोई भी इसमें USB पोर्ट नहीं है, ठीक है, चिप वगैरह लगाने के लिए, और इसमें पीछे इस तरीके के पोर्ट दिए जाते हैं। ठीक है, 4 पोर्ट जिसमें 2 स्पीकर के होते हैं और 2 इसके ऑडियो के होते हैं। ठीक है, ऑडियो सेटिंग के। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये लेना है, ठीक है, हमने ऑन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसमें कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये इसके आउटपुट हैं, तो आउटपुट में इस हिसाब से हमने कनेक्ट करने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक ही पॉइंट इसका कनेक्ट किया है, 2 स्पीकर के यहाँ पे कनेक्शन है। ठीक है, और जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे पहले हम स्पीकर ऑन कर लेते हैं। स्पीकर हमने ऑन कर लिया, ब्लूटूथ हमारी ऑन है, तो यहाँ से बस मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करनी है, मोबाइल की कनेक्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी नाम होगा वही हिसाब से आ जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। तो ये नाम आया है यहाँ पे और कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और ये बैटरी भी दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी बार 50% दिखा रहा है। ठीक है, बैक कर लेते हैं, उसके बाद जो म्यूजिक प्ले करना है यहाँ पे, ये देखिए, तो हम ये नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले कर रहे हैं।
तो दोस्तों सेटिंग की बात आती है, सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो है एक पिन हमने कनेक्ट किया, एक पे ही चल गया। जिसका एक पे चल जाता है, अगर सिस्टम सूट कर जाता है एक पे चल जाता है तो एक पे चलाए, अदरवाइज हम जैसे दो लगाते हैं तो इसकी आवाज़ दब जाती है। तो जैसे देखिए अभी मैं एक लगा रहा हूँ और मैं पहले निकाल देता हूँ, पहले हमने ऑन कर दिया। देखिए देखिए जैसे ही मैं लगाता हूँ तो आवाज़ बहुत ही कम हो जाती है, और मैं अगर चेंज करता हूँ इनको तो तब भी यही रिस्पॉन्स है। तो हमारा एक, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल एक से ही सही चल रहा है, एक से ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, मैं कोई दमकदार म्यूजिक डीजे मिक्स यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं NCS का म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चार्जिंग के लिए सिंपल सा है, कभी भी हटा करके इस तरीके से कहीं पर भी ले जाकर चार्जिंग कर सकते हैं, 10 दिन कम से कम निकाल देगी, और बूफर पे तो ज़्यादा ही निकाल लेगी। ठीक है, या फिर इस पे यहाँ पे कहीं कोई सेटिंग कर सकते हैं, किसी डब्बी में फिट करके इसे रख सकते हैं। ठीक है, लीड आराम से आ जाएगी, लीड लंबी लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।